हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ हमारे एक सब्सक्राइबर से। बेसिकली हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी जो स्टोरी है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट उससे हमें एक सबक मिल सकता है। और सबक ये मिल सकता है कि क्या आपको लाखों रुपए देने चाहिए एजेंट्स को, मतलब वीजा के लिए या विदेशों में जॉब के लिए। और ये भी सबक मिलता है कि क्या हमें पूरे तरीके से जांच करनी चाहिए कहीं विदेश में नौकरी पे जाने के लिए। एक और चीज, क्या सिर्फ वीजा मिलने से ही आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? तो इन सब चीजों पे बात करने के लिए मेरे साथ है अरुण सोनी, और उनका जो एक्सपीरियंस है वो हम सबके लिए यूजफुल हो सकता है। और बेसिकली जो उनकी कहानी है वो मतलब ऐसी है जिसको सुन के मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अरुण, बेसिकली हमारी फोन पे भी बातचीत हुई थी, तो आप जी बताएंगे आप हंगरी काम करने गए थे तो क्या हुआ था? जी नमस्कार। सबसे पहले सर आपको और सारी ऑडियंस को नमस्कार। जो भी भाई मुझे सुन रहे हैं उन सबके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। बिना सोचे, बिना समझे, बिना देखे कभी यकीन मत कीजिए वीजा पे। मेरे साथ जब मैं इंडिया से मैंने वीजा लगवाया हंगरी बुदापेस्ट का बी प्लस एन कंपनी में, तब जाने के टाइम पे बहुत कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके बाद जब मैं वहां पहुंचता हूं तब क्या देखता हूं कि कंपनी बोलती है कि 10 से 12 दिन के बाद आपका काम स्टार्ट होगा, आपके एग्रीमेंट साइन होंगे। हमने एग्रीमेंट जैसे स्टडी करने की कोशिश की तो बोलते हैं कि वो हंगरी लैंग्वेज में है, मगयार लैंग्वेज में, तो बोलते हैं कि तुम्हारा कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल का, तो आप लोगों को यही काम करना है 2 साल तक। आपके लिए 2 साल का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। उसके बाद हमें होटल भी प्रोवाइड किया जाता है, अकोमोडेशन में खाना उसके अंदर खुद का होता है, लेकिन एजेंट जो बोल के भेजते हैं कि 50,000 सैलरी होगी, 70,000 सैलरी होगी, वो 1 मंथ 2 मंथ बस, उसके बाद वो सैलरी नहीं मिलती। फिर शुरू होता है इनका टॉर्चर। वहां पर एक कंपनी के और एजेंटों के बीच में एक लॉयर है जिनका ऑफिस का नाम है फर्स्ट इमिग्रेशन। अगर हमें कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो डॉक्टर को कॉल करने से पहले फर्स्ट इमिग्रेशन को कॉल कीजिए, वही आपको बताएंगे कि आपको मेडिकल सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये वो लोग डिसाइड करेंगे। वहां पर बीमार होना एक गुनाह के जैसा है। मैं यहाँ पे डॉक्टर भी अच्छा अरुण, मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ। बी प्लस एन जो कंपनी है, बेसिकली मैं पर्सनली उनके एम्प्लॉय से मिला हूँ नुगाती स्टेशन पे, और मुझे एक ने सिमिलर चीज बताई थी कि बेसिकली एक बार किसी को चोट लग गई थी तो फिर भी वो डॉक्टर को नहीं दिखा पाया। तो इनफैक्ट ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है, खासकर सर्दियों का टाइम था, वो दिसंबर का महीना था, और दिसंबर में तो टेम्परेचर पता है -10 तक जा सकता है, ऐसे में बाहर काम करना बहुत आसान नहीं होता है। ठीक है अरुण, आप बताइए। जी, उसके बीच में फिर मैंने मेरा जो वीजा था वो 2 जनवरी से 14 जुलाई तक था, क्योंकि मेरा पासपोर्ट भी खत्म होने वाला था, तब तक मेरा वीजा था। लेकिन उसके बीच में मैंने कंपनी को बोला कि मुझे मेरा पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, तो उसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आई? टीआरसी के लिए। टीआरसी के लिए इन्होंने कभी आज करवाएंगे, कभी कल करवाएंगे, अभी आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है। लेकिन जब मेरी अपॉइंटमेंट बुक हुई, जब मैं टीआरसी के लिए वहां गया, तो वहां पर कंपनी के 3 एम्प्लॉई मेरे साथ अंदर हंगरी इमिग्रेशन में मेरे साथ गए हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो अपनी लैंग्वेज में उनके साथ उन्होंने क्या बात की है, अगर वो शायद इंग्लिश में बोलते तो मुझे समझ आ जाती। तो
उन्होंने मेरा जब पासपोर्ट देखा और मेरे बायोमेट्रिक किया, मेरी आंखों की जो स्कैनिंग करके फोटो ली उन्होंने मेरी, उसके बाद बोलते हैं कि आपकी एक फोटो ली जाएगी, अलग से आपको वो करवानी पड़ेगी 80% फेस की। मैंने वो भी करवा के दे दी। बोलते हैं आपका टीआरसी अभी नहीं आएगा, जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। मेरा वहीं पर इन्होंने पासपोर्ट ले लिया। बी प्लस एल कंपनी ने, जैसे ही एयरपोर्ट से उतरे हैं तब से हमारे पासपोर्ट उनके पास थे। ठीक है, एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकलने दिया था उस टाइम हमें। तुम्हारे पासपोर्ट अगर हमें जमा करवाओगे तो हम तुम्हें रखेंगे अपने पास, अदरवाइज नहीं रखेंगे। तो ये सर मुझे समझ नहीं आया, ये रूल है वहां पर? देखिए ये ना एक तरीके से, हम इसे अंग्रेजी में एक टर्म है, मॉडर्न स्लेवरी, समझ गए? क्या है, गुलामी एक प्रथा होती थी जो बहुत पहले खत्म हो गई। तो किसी का पासपोर्ट रखना लीगली अलाउड नहीं है, ठीक है? तो और जितने लेकिन भी, मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनका पासपोर्ट रखा जाता है, खासकर इस पर्टिकुलर कंपनी में। लेकिन पता है क्या है अरुण, उसके रीजन भी है। बहुत सारे जो हिंदुस्तानी है ना, वो हंगरी को एज अ बेस यूज कर रहे हैं, ठीक है? वो पोर्तगल चले जाते हैं और जर्मनी चले जाते हैं, तो ये भी रीजन है। लेकिन ये इलीगल है किसी का भी पासपोर्ट होल्ड। तो सर उसके अंदर फिर क्या होता है कि जब टीआरसी के लिए कर रहे हैं, कोई लोग नुगाती में काम कर रहे थे, कोई कैलाती में काम कर रहे थे, कोई मॉल कैंपस में काम कर रहे थे, उसके अलावा मेट्रो में भी काम हो रहा था, जहां पर ऑलमोस्ट जो भी इंडियंस हैं हरियाणा के पंजाब के, बहुत से मेरे साथ जो काम कर रहे थे मैं नहीं जानता था। धीरे धीरे पता लगा कि हाँ ये हरियाणा से है, कैथल से है, ये यमुनानगर से है, ये करनाल से है, अम्बाला से है। तो ऐसे करके हमारा एक परिवार बन जाता है, एक संघ बन जाता है। तो उसमें ये बातें शेयरिंग हुई कि क्या किया जाए। तो अब उसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। मैं फर्स्ट इमिग्रेशन में कम से कम भी सर 10 बार जाके आया हूँ, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया है, सर मुझे मेरे पेपर दीजिए, मैंने मेरा पासपोर्ट रिन्यू करवाना है। तो वहां पर क्या होता है सर, उन्होंने मेरी 3 बार अपॉइंटमेंट बुक करवाई। 3 बार अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद जब मेरी लास्ट टाइम में अपॉइंटमेंट थी 25, ऐसे ही मेरा जून आ रहा था, 25 मई, सॉरी 25 मई मेरा लास्ट इन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था। तब क्या था, इन्होंने मेरे साथ क्या किया, फर्स्ट इमिग्रेशन ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। बी प्लस एम कंपनी का एक एजेंट कह सकते हैं उसको, उसके बीच में वो एम्प्लॉय नहीं है, उसका एक एजेंट कह सकते हैं जिसका कनेक्ट इंडिया से है, कनेक्शन वो इंडिया से जो भी वहां पर एम्प्लॉयज हैं वो ये डिसाइड करता है कि किसको रखना और किसको नहीं रखना। क्योंकि जो वहां पर आ गया है, अगर उसको वहां से वो भगा देंगे तो उसकी जगह नया वीजा अप्लाई होगा, नया बंदा आएगा। मेन बेसिकली जो स्कैम चल रहा है वो 8 लाख से लेके 12 लाख रुपए तक ये लोग ले रहे हैं इंडिया में। उसमें सर ये लोग क्या करते हैं, कंपनी को आई थिंक से अपने मुंह से, मैंने किसी के एक जने के मुंह से सुना कि कंपनी 4 से 5 लाख रुपए लेती है हमसे, बाकी पैसे हम लेते हैं। और जो जहां तक आप लोगों के पैसे आए हुए हैं तब तक आपको कंपनी पे कर रही है, ऐसा इनमें कुछ लोगों का बोलना था। तो हमने ये बोला कि आपने ये बातें हमें पहले क्यों नहीं बताई, अगर आप लोग हमें ये पहले बातें बता अवेयर कर देते हमें तो हम लोग सोचते भी ना यहाँ पे आने के लिए। इंडिया में 8 घंटे बोला जाता है लेकिन वहां पर 12 घंटे काम लिया जाता है, ये बोलकर कि आप ओवर टाइम कर रहे हैं और आपको करना पड़ेगा, अगर किसी की हिम्मत नहीं है करने की तो बोलते हैं कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मेंटली टॉर्चर किया जाता है। ड्यूटी ऐसे टाइम की मिल जाती है कभी कभी कि प्रॉब्लम हो जाती है। अभी रात को 9 बजे ड्यूटी शुरू होएगी तो सुबह 4 बजे खत्म होगी, या 6 बजे खत्म होगी, या हो सकता है 10 बजे खत्म हो। तो ऐसा करके वहां पर ये मेंटली टॉर्चर किया गया। जब मैं 25 तारीख को ऑफिस में जाता हूं फर्स्ट इमिग्रेशन में,
तब मेरा पासपोर्ट मुझे दे दिया जाता है कि ये लीजिए आपका पुराना पासपोर्ट। लेकिन जब मैं उसके ऊपर उसको ओपन करके देखता हूं तो मेरे जो स्टिकर वीजा है उस पर रेड लाइन लगा दी इन्होंने। मैंने पूछा ये रेड लाइन किसने लगाई, तब ये लोग बोलते हैं कि ये रेड लाइन ना इससे आपका वीजा कैंसल कर दिया गया है और यू गो बैक इंडिया देन यू अप्लाई योर पासपोर्ट देन गोइंग टू योर हंगरी एम्बेसी देन रिन्यू योर न्यू वीजा स्टिकर वीजा देन यू विल कम इन हंगरी। ऐसा बोला मुझे गया फर्स्ट इमिग्रेशन के अंदर जाके जो वहां के लॉयर थे, उनके अलावा एक इंडियंस जो थे जो एजेंट वो वहां थे, तो इन्होंने मुझे प्रेशराइज किया कि अगर इसके ऊपर तुम सिग्नेचर नहीं करोगे पेपर पे तो हो सकता है तुम्हें जेल की हवा खानी पड़े। अगर हम आप लोगों को यहां बुला सकते हैं तो हम आप लोगों को जेल भी भिजवा सकते हैं, हमारे पास अथॉरिटी है। अच्छा, मैं कहूंगा आप नाम ना लें, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये आपको इंडियन एजेंट ने बोला था? हंगरी के एजेंट ने भी बोला था और इंडिया के एजेंट ने बोला था, दोनों ने। अच्छा अरुण, आपने मुझे बताया था कि आपने 8 लाख रुपए दिए, ठीक है, जी तो आपको लगता जी है कि 8 लाख रुपए दे के हंगरी जाने का डिसीजन आपका सही था? गलत, बिल्कुल गलत। आपको क्या लगता है, मतलब क्या रास्ता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बेरोजगारी भी बहुत है, खासकर छोटे शहरों में, दिल्ली मुंबई बड़े शहरों में तो नौकरी मिल जाती है, ठीक है। सर, लाइफ का एक एक्सपीरियंस मिला है। अगर इंडिया में हम लोग 20 से 25 हजार पे अपने ही शहर में काम करके कमा लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको यूरोप के अंदर कहीं काम करना चाहिए। जी, जिनको काम करना चाहिए वो लेवल आता है आईटी सेक्टर में, डॉक्टर लाइन में, स्टाफ नर्स में, ये उनके लिए है। जो लेबर लेवल के लिए जा रहे हैं सर, मैं तो उनको मूर्ख हूं। देखिए, पता क्या है, मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। मेरा मानना है कि अगर आप वर्क पे भी जा रहे हैं तो जनरली हम ये रिकमेंड करते हैं, एक जो पैसे पे करने की रेंज है वो 3-4 या ज्यादा से ज्यादा 4.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है, ठीक है। अगर आपको देना भी है, मैं कहूंगा 10-12 लाख रुपए देने का कोई वो नहीं है। और इनफैक्ट सर, मेरे फ्रेंड ने 12 लाख दिए हैं, वो गलत है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब जैसे हमने मेंशन किया, तो जब मैं हंगेरी में रिक्रूटर से बात करता हूँ तो हम उनसे हमेशा ये कहते हैं कि आप ना रेट को कम रखिए, क्योंकि सैलरी जितनी है नहीं। अगर किसी को 50,000 रुपए महीना मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, तो भाई हम उससे कहें कि 12 लाख दे दे, हम उससे कहेंगे पहले ही 2 साल की सैलरी दे, तो वो जस्टिफाइड नहीं है ना। आप 4-5 तक करिए उतना फिर भी ठीक है, लेकिन उस पर भी आप अश्योरेंस दीजिए कि कम से कम 50,000 मिले, ऐसा हमेशा हमारी बातचीत रहती है। तो अब एक चीज बताइए, जैसे आपने 8 लाख रुपए पे किए, तो ये आपने कैसे अरेंज किए? सर, मैंने ये पैसा अपने रिश्तेदारों से, मतलब और दोस्तों से, इसके मतलब ब्याज पे पैसा लिए। क्या ब्याज की दर है? सर, ब्याज की दर अब सब कोई अलग अलग है सर, सबकी 2 से 10 तक। तो आपने ये 8 लाख रुपए कब लिए थे? सर, ये मेरी स्टार्टिंग हो गई थी, मतलब पैसे लेने की, मेरे जो बैंक अकाउंट में पैसा दिखाना था, मतलब 3 से 4 लाख रुपए के पास मेरे को, ये तब से मेरी स्टार्टिंग होगी थी। तो ये जो 8 लाख मतलब पिछले साल, मतलब ये अभी 2023 चल रहा है, तो 2022 में स्टार्टिंग होगी थी। अच्छा, आप हंगरी में कितने टाइम रहे? सर, हंगरी में मैं 17 फरवरी को पहुंचा हूं। मेरी 17 फरवरी की फ्लाइट थी, दिल्ली टू बॉम्बे, बॉम्बे टू दुबई, दुबई टू इस्तानबुल, इस्तानबुल से मैं हंगरी बुदापेस्ट में उतरा था। बहुत ही अजीब सा टिकट कराया आपके एजेंट ने। खैर एनीवेज, क्योंकि मतलब सीधे वो आपको दिल्ली से दुबई या दिल्ली से इस्तानबुल, इस्तानबुल से बुदापेस्ट भी कर सकता था, बट एनीवेज। इन्होंने हमें लास्ट टाइम में ऐसा भी डरा दिया था कि
ऐसे जाओगे तो आप लोगों की चेकिंग होगी, ऐसे जाओगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। और सर हमें ना लास्ट टाइम में हमारे मोबाइल पर इन्होंने पीडीएफ भेजी, जिसे बोलते थे कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए बुदापेस्ट में तब ये अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाना, ये पेपर दिखा देना बस। और ठीक है जी, हमने एक दो जनों को रोका भी गया तो उन्होंने वो पेपर दिखाया तो सबको बोला B+N कंपनी, B+N कंपनी, जाओ गो 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 गो, नो चेकिंग आपने बोला आप 17 फरवरी को गए थे, वापस कब आए जी। आप? वापिस में मेरी टिकट हुई है 28 के पास, मैं इंडिया आ गया 28 में। 28 में तो आप टेक्निकली वहां पे 4 महीने 10 दिन रुके, तो जी इस दौरान आपको कितने पैसे मिले? सर, जब मैं मेरा फर्स्ट मंथ था तब मेरे पैर में चोट लगी थी, तो कभी ये मुझे दे जाते थे मतलब 200,400। एक बार मेरे पास 232,400 आए हैं, लास्ट टाइम मेरे पास 170,000 ऐसे 400 आए सर मेरे पास। मुझे मैंने इनसे सैलरी के बारे में पूछा कि मेरे को ऐसे क्यों मिल रही है, तो बोलते हैं कि टेक्निकली प्रॉब्लम है, हम सोल्व आउट कर देंगे। ये आपको किसने बोला, फर्स्ट इमिग्रेशन ने या B+N? फर्स्ट इमिग्रेशन, क्योंकि सैलरी वही लोग देते थे, कंपनी नहीं देती थी एक और चीज मैं आपसे पूछता हूं, जो आपका एजेंट था जी। उसने आपका कोई हेल्प की? सर उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया था सर। मैंने उसको रिक्वेस्ट की थी कि मेरे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी प्लीज हेल्प करो, तब उन्होंने भी फोन उठाना बंद कर दिया। तो आप उससे आने के बाद मिले हैं उससे? आने के बाद मैं उनसे मिला, मैंने उनको बोला कि सर मेरे साथ ये क्या किया गया है, तो बोलते हैं तुम धमकी दे रहे थे। मैंने कहा मैंने किस चीज की धमकी दी? तुमने ये बोला था मैं फर्स्ट इमिग्रेशन की रिपोर्ट करूंगा हंगरी इमिग्रेशन के पास जाके या इंडिया एम्बेसी के पास जाके, तो मैंने कहा सर मेरे साथ गलत हो रहा था तो मैं उनको बोल सकता हूँ, मैं पुलिस में जा सकता हूँ, मैं बोलूंगा ये, मैं मेरी प्रोटेक्शन के लिए नहीं बोलूंगा, पुलिस किस लिए है, वहां का कानून किसके साथ होगा, गलत के साथ सही होगा या सही वाले के साथ खड़ा होगा? तो मेरे एजेंट बोले कि यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, एक तो हम तुम लोगों को भेज देते हैं, ऊपर से तुम लोग हमारे सिर पे चढ़ के नाचते हो। मैंने कहा सर चलो जो बात हुई है ठीक है, कोई बात नहीं, आप इस बात को यहीं खत्म करो, लेकिन उसके बाद क्या बोलते हैं कि कोई बात नहीं तुम्हारे दे देना पेपर। अच्छा, तो अब आपका क्या प्लान? सर मैंने उनको ये बोला था मैं मेरा पासपोर्ट रिन्यू करवा चुका हूं, आप मेरा वीजा दूसरी बार लगवा दीजिए क्योंकि मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। बोलता है किस बात का कॉन्ट्रैक्ट, तुम वहां पे रिजाइन देके आई हो। तो आपको फोर्स किया गया था रिजाइन करने के लिए? फोर्स किया गया था मुझे, बकायदा इतना डरा दिया गया था कि कि तुम इंडिया नहीं जा सकते वापस कभी, तुम यहां जेल काटोगे, और टॉर्चर भी किया सर, बंद रूम है तो सर बाहर आके मैंने दोस्तों को भी बोला कि मैंने मेरे टॉर्चर साथ थोड़ी कैसे किया? हाथापाई की है। सर इंडियन था और एक और पर्सन थे मैं नहीं जानता, मतलब मैं उठने लगा तो मुझे पीछे से पकड़ के बिठा दिया, बोल बैठ, तो मैंने हाथ किया कि मैं ऐसे क्यों कर रही हो, तो बोलते हैं कि यहां से सीधा ना जेल में जाएगा। वो चाहते थे कि मैं उनके ऊपर हाथ उठाऊं और वो उसके ऊपर एक्शन ले, इसीलिए वो मुझे जेल जाने की धमकी दे रहे थे। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो मैंने कहा मैं मेरे एजेंट से बात करना चाहता हूं, जो इंडिया में मैडम है जिसके थ्रू सभी के वीजे लग रहे हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ है, आपका आगे B+N कंपनी के साथ है, मुझे एक बार उन लोगों से बात करने का टाइम दीजिए, मुझे 5 से 10 मिनट दीजिए, मैं उनसे बात करके ये डिसीजन क्लियर कर लेता हूँ कि कैसे किया जाए। बोलते हैं ये साइन अभी करोगे तो
तुम्हारे लिए ठीक होगा, अदरवाइज यहां पर 10 मिनट में पुलिस आने वाली और तुझे सीधा जेल में शिफ्ट कर देंगे। और साबित करना हमें आता है कि तुम्हारे ऊपर क्राइम कैसे साबित करें, तो अब ऐसा आप उन लोगों वापस, पर तो अब बोलना। आपका क्या प्लान है? आप वापस जाना चाहते हैं? सर मैं तो ये कहता हूं, अब मेरा जो पैसा लग गया है, अब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा सर, बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, बहुत बुरा, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे आपका एक्सपीरियंस कंपनी के साथ बुरा रहा, इन जनरल आपका एक्सपीरियंस जो लोकल हंगेरियन लोग थे आमतौर पे उनके साथ कैसा रहा? सर वो बहुत हेल्पफुल मेरे को पर्सन मिले, बहुत हेल्पफुल मिले मेरे साथ। एक मारिया नाम से जो लेडीज थी सर, मेरी जो चोट लगी थी उसने मुझे वहां पे संभाला, जो मैं 12 से 15 दिन अपने रूम के अंदर रेस्ट पे रहा, मेरे पाँव में मोच आ गई थी और मुझे डॉक्टर ने स्पेशल हिदायत दी थी कि 3 से 4 हफ्ते आप काम नहीं कर सकते सर, 1 मंथ ही हो गया। उसने मुझे सर बहुत केयर की, उसने मुझे मतलब मेडिसिन की नीड हुई तब भी उसने मेरी हेल्प की, मतलब खाने को भी लेके मेरी उसने हेल्प की, बहुत तो हेल्पफुल लोग आमतौर पे हैं लोकल लोग सपोर्टिव रहे, है ना? जी, क्योंकि वो खुद एक विलेज से बिलोंग करती हैं। मॉल कैंपस में एक जो पत्रकार हैं उन्होंने भी मेरी हेल्प करने की कोशिश की, बट कंपनी के जो एचआर कह लीजिए या सुपरवाइजर कह लीजिए, उन्होंने उनको मतलब वार्निंग दी कि अगर तुमने इंडियंस की हेल्प की तो तुम्हें ये जॉब छोड़नी पड़ेगी, ये उनका मुझे पर्सनली बताना था। अच्छा, तो अब देखिए बेसिकली क्या है, अब आप क्या चाहते हैं बताएंगे जरा। सर मैं चाहता हूं, एक तो कोई भी बिना सोचे समझे यूरोप में ऐसे ना जाए, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, जो स्किल है उस स्किल पे जाए। तो देखिए स्कैम अब चल रहे हैं, जो स्कैम चल रहा है उस स्कैम को अगर मैं अगर अगर आज मैं आप लोगों के आगे सामने आके बता रहा हूं तो इस चीज को सच मानिए, झूठ नहीं है। आज भी नुगाती कहलाते में 5 से 6 लड़के काम कर रहे हैं, वो उनकी सैलरी पूछिए जाके, इंडियन करेंसी के रिकॉर्डिंग पच्चीस हजार से तीस यहाँ हजार पे मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ, नुगाती और कैलेती बुडापेस्ट में दो ट्रेन स्टेशन का नाम है। कैलेती का हंगेरियन में मतलब होता है ईस्ट या पूर्व, नुगाती का मतलब होता है वेस्ट, और मैं उन दोनों स्टेशन पे गया हूँ। तो बेसिकली देखिए ऐसा है, आपने जो बात कही वो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक चीज बताइए, आपका जो एजेंट है जिसको आपने 8 लाख रुपए दिए, वो कभी खुद हंगरी जी। गया है? नहीं सर तो आपको नहीं लगता मतलब उसने क्या किया, वो सिर्फ पैसों के लिए काम करा है, उसका कोई और इंटरेस्ट नहीं है पैसे के अलावा? जी, यही यही काम अगर वो खुद हंगरी गया होता, फर्स्ट इमिग्रेशन वालों से मिला होता, उसने कुछ रिसर्च की होती, तो शायद ऐसी दिक्कत नहीं आती। सर, ये स्कैम चल रहे हैं अभी भी, लोग वीजा के लिए पासपोर्ट दे रहे हैं, लोग चाहते हैं कि वो हंगरी पहुंचे क्योंकि वो उन लोगों से बात करवाते हैं जो लोग बोलते हैं कि ये देखिए हमारी सैलरी स्लिप, हमारे पास इतना पैसा आया है, हमारे पास इतना पैसा आया है पर मंथ, हम अच्छा कमा रहे हैं, 80 हजार 90 हजार कमा रहे हैं। ये लोग वहां पर बेसिकली सर क्या प्रॉब्लम है, जिसकी 24 से 25 साल के पीछे एज है उसको उसको टैक्स टैक्स नहीं नहीं पे है। करना, हाँ हाँ उसको टैक्स नहीं ठीक पे है। करना, जो तो देखिए अरुण, हम जिस आपसे फिर 24 से 25 साल दोबारा के ऊपर है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। से बात करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे मैं अपने जो ऑडियंस है, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने क्या कमेंट्स हैं वो जरूर लिखिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि आप जाइए विदेश में काम करने के लिए, लेकिन एक तो ये देखिए कि क्या आप उतना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, इंटरेस्ट पे अननेसेसरली पैसा मत लीजिए, पहली चीज। दूसरा ये भी देखें कि जो आपका एजेंट है जो आपको भेज रहा है, क्या वो खुद उस कंट्री में गया है, उसको कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, वो आपको सपोर्ट करने को तैयार है? और जस्ट बिकॉज कि हर कोई जा रहा है आप जाए, ऐसा ना करें। और ये मत सोचिए कि अगर आप एक बार शेंगेन जोन में पहुंच गए तो आपके साथ कोई चमत्कार होगा, तो प्लीज अवेयर रहिए।
और अरुण आपने हमसे बात की, मैं आपसे फिर दोबारा से बात करूंगा। बहुत बहुत थैंक यू, और बिल्कुल आप भी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यू सर।